गीता में मनुष्य को अपने जीवन के लगभग हर समस्या का हल मिल सकता है। इसमें लगभग 701 श्लोकों के साथ 18 योग हैं। साथ ही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है जो मनुष्य को आगे बढ़ने और सफल बनने के लिए रोकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। पहला, अपनी तुलना दूसरों से न करें। गीता में बताया गया है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता, जिस वजह से उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। दूसरा, गीता में बताया गया है कि दूसरों से मदद लेने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन यह आदत भी आपकी सफलता में बाधा का काम कर सकती है। दूसरों की मदद लेना और उनकी मदद करना दोनों ही आवश्यक है। तीसरा, दूसरों को खुशियाँ दें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार खुशियां बांटने से दोगुनी होती है और दुख बांटने से कम होता है, लेकिन लोगों की आदत होती है कि वे अपनी समस्याओं को दूसरों से छुपा कर रखते हैं, अपनी खुशियां भी बांटना पसंद नहीं करते हैं। चौथा, मेहनत से ही मिलती है सफलता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी तैयारी जरूर करें। कम समय और बिना योजना बनाए आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आ रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा।